जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। आज हम देखने जा रहे हैं बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक जारी की गई है, उसमें जो ग्रामर क्वेश्चंस हैं, उन ग्रामर क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशंस और उनका रीजन देखने जा रहे हैं। इसके साथ ही अगले वीडियो में हम डूअर्स डायरेक्टेड के भी आंसर्स देखेंगे और उनका रीजन देखेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियोस आएं वो सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ 12th क्लास की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो और सप्लीमेंट्री रीडर विस्टास के सभी लेसन्स और पोएम्स के क्वेश्चन आंसर भी आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। तो आप क्वेश्चन बैंक के पूरे सॉल्यूशंस इन वीडियोस में देखकर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आपको एसेज, लेटर्स और रिपोर्ट राइटिंग भी इसी चैनल पर मिलेगी। इन सभी की जो प्लेलिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ नीचे, आप उसे ओपन करके अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए हम इन क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो अब हम ये प्रश्न शुरू करते हैं। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है आई हैव सीन डैश प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस इन दिस सिटी, और इसमें आर्टिकल्स दिए हैं ए एंड द या नो आर्टिकल्स। तो अब हम उन विशेष स्थानों की बात कर रहे हैं जो कि ऐतिहासिक महत्व के हैं, इसलिए यहाँ पर आएगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉय डैश द बर्ड। अब क्योंकि ये हमें समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट टेंस में है और द बॉय थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसमें वर्ब के साथ ईएस लग जाएगा, द बॉय कैचेस द बर्ड। थर्ड क्वेश्चन है डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो हमें पता है कि जब बहुत ही कम ज्ञान होता है तो वो खतरनाक होता है, और ये एक कहावत भी है, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा अ लिटिल थिंक इट डैश रेन टुडे। अब यहाँ पर क्योंकि बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, तो जहाँ पे भी कोई संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ मे या माइट का प्रयोग किया जाता है। मस्ट का प्रयोग किसी स्थिति की निश्चित रूप से जब होने की बात की जाती है तब करते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि संभावना व्यक्त है इसलिए इसका आंसर होगा मे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर डैश प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो इसका आंसर होगा सम, क्योंकि मच अनकाउंटेबल्स के साथ यूज होता है और एनी जो होता है वो क्वेश्चंस और नेगेटिव्स के साथ यूज होता है, इसलिए यहाँ पे सही आंसर है सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई ब्रदर इज डैश इंजीनियर। अब ये क्योंकि वॉल साउंड ए से शुरू हो रहा है इसलिए इसके आगे लगेगा एन इंजीनियर। अगला प्रश्न है डिड यू बाय डैश शुगर फ्रॉम द शॉप। इसके ऑप्शन है एनी और सम। तो यहाँ पर हमें पता है नेगेटिव में और क्वेश्चंस में एनी का प्रयोग किया जाता है, जबकि पॉजिटिव में सम का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आएगा एनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डू नॉट लाइक डैश ऑफ दीज मोबाइल्स आइदर और नाइदर। क्योंकि इस सेंटेंस में डू नॉट लिखा हुआ है तो ये ऑलरेडी एक नेगेटिव है, और एक ही वाक्य में दो नेगेटिव नहीं होते, तो यहाँ पर हम आइदर और नाइदर में से आइदर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है यू डैश स्टॉप स्मोकिंग। तो यहाँ पर ये एक तरह की सलाह है और सलाह के लिए हम जानते हैं शुड का प्रयोग किया जाता है। अगला वाक्य है वी आर गोइंग डैश अ मैच टूडे, और ऑप्शन है प्लेइंग, टू प्ले और प्लेड। तो गोइंग के बाद टू का प्रयोग होता है, तो इसलिए यहाँ का ऑप्शन होगा टू प्ले। अगला वाक्य है माई फ्रेंड लिव्स डैश न्यू डेली। तो हमें पता है बड़ी जगहों के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं और छोटी जगहों के लिए एट का, तो यहाँ पे आंसर आएगा इन। अगला प्रश्न है वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल। तो यहाँ पर भी ये लेस्ट का प्रयोग होता है, लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है, ये कंजंक्शन है, और इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा शुड। नेक्स्ट है राम प्रेफर्स। तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन प्रेफर्स जहाँ पे भी आता है वहाँ उसके साथ हमेशा देन की जगह टू का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर डेविड इज डैश यूरोपियन। तो यहाँ पे जो यूरोपियन है वहाँ पे ये शुरू तो हो रहा है ई से, लेकिन इसका जो प्रोनंसिएशन होता है वो एक कॉन्सनेंट से होता है, कॉन्सनेंट्स के आगे हमें पता है हम ए का प्रयोग करते हैं,
तो ये एक एक्सेप्शन है कि ऐसा शब्द जो शुरू तो हो रहा है एक वॉल से, लेकिन इसका जो प्रोनंसिएशन है वो शुरू हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड से, इसलिए यहाँ पर हमने ए का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है आई हैव डैश फ्रेंड्स, फ्रेंड्स काउंटेबल हैं इसलिए हम यहाँ पर मैनी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रामायण इज अ सैक्रेड बुक, क्योंकि हमें पता है कि जो भी होली बुक्स रहती हैं उनके आगे हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है माई ग्रैंड मदर इज हार्ड, तो यहाँ पर हार्ड के साथ हमेशा जो प्रपोजिशन है वो है ऑफ, हार्ड ऑफ हियरिंग का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है डैश गॉड ब्लेस यू विद अ डॉटर, तो ये जो वाक्य है इस वाक्य में एक ब्लेसिंग दी गई है, ब्लेसिंग्स के साथ हमेशा मे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है द बिल्डिंग हैज डैश डाउन, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलन का प्रयोग किया जाएगा, फॉलन। ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स डैश चिल्ड्रन, अब ये जो हमें पता है कि चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल है और प्लूरल में हमेशा अगर टू है तो टू के बीच में बिटवीन का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे नंबर मेंशन नहीं है तो हम इसे ऐसा मान रहे हैं कि ये दो से ज़्यादा है, जब भी दो से ज़्यादा है तो वहाँ पर हम अमंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है डैश हरसेल्फ रेस्ट इन पीस, तो ये भी क्योंकि हम इसमें मे का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट इज दे अपोलोजाइज्ड डैश द ओल्ड लेडी, तो यहाँ पर जब भी हम अपोलोजाइज्ड कहते हैं तो उसके आगे टू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आई डिडंट फाइंड डैश देयर, यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे एनीवन का क्योंकि ये नेगेटिव है। नेक्स्ट है शी डजंट हैव डैश फ्रेंड्स टू हेल्प हर, अब जो फ्रेंड्स है वो क्योंकि काउंटेबल है इसलिए हम वहाँ पर मैनी का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर एनी का प्रयोग आएगा क्योंकि ये एक नेगेटिव है, शी डजंट हैव एनी फ्रेंड्स टू हेल्प हर। नेक्स्ट इज यू डैश टू गो टू मुंबई टुमारो टू अटेंड द मीटिंग, तो यहाँ पर टू लगा हुआ है तो टू हम जो है शुड के आगे नहीं लगता, वो हैव टू के आगे लगता है। सेकेंडली ये एक फ्यूचर टेंस है इसलिए यहाँ पर हम विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है आई एम नॉट एंक्शियस डैश माई एग्जाम्स, तो यहाँ पर एंक्शियस के साथ प्रपोजिशन अबाउट का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है वी कीप आर फूड इन द फ्रिज डैश इट डज नॉट गो बैड, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले हमने बताया कि क्या काम हुआ और फिर हम उसका रीजन बता रहे हैं, तो क्योंकि हम रीजन बता रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर सो दैट का प्रयोग करेंगे। तो वी कीप आर फूड इन द फ्रिज सो दैट इट डज नॉट गो बैड, ताकि ये खराब ना हो जाए इसलिए हमने अपना भोजन फ्रिज में रखा। नेक्स्ट सेंटेंस है यू डैश नॉट फील सॉरी फॉर दिस पिटी मिस्टेक, अब यहाँ पर क्योंकि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इस छोटी सी गलती के लिए तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे नीड, इसका आंसर होगा नीड नॉट। नेक्स्ट इज डैश रूम ऑफ दिस होटल एज एन एसी, तो यहाँ पर क्योंकि हमने इस होटल के सभी रूम्स की बात कर रहे हैं उनमें से प्रत्येक रूम, इसलिए यहाँ पर प्रयोग होगा ईच का। नेक्स्ट इज ही इज गुड डैश इंग्लिश, सब्जेक्ट्स की जब भी बात होती है तो वहाँ पर हम या लैंग्वेजेस की स्पेशली तो वहाँ पर हम एट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है डैश आई डू दैट सम फॉर यू, तो यहाँ पर कैन का प्रयोग तो हम करते हैं किसी कैपेबिलिटी को बताने के लिए तो उसका प्रयोग नहीं होगा, आई के साथ शेल का प्रयोग होता है इसलिए शेल आई डू दैट सम फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है No sooner did the boy see the cobra, dash he ran away. तो यहाँ पर क्योंकि no sooner का प्रयोग हुआ है और no sooner के साथ हमेशा then का प्रयोग होता है इसलिए इसका आंसर होगा then. Next है this task has been equally divided between you and, अब हमें पता है कि यहाँ पर जो लास्ट में ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज होगा तो I का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है वो होता है me. Myself possessive case होता है जिसमें किसी वस्तु का possession बताते हैं, पर क्योंकि यहाँ possessive case नहीं है, mine का प्रयोग होता है जब किसी noun का प्रयोग हो उसके पहले तब, तो यहाँ पर क्योंकि किसी noun का प्रयोग भी नहीं हुआ इसलिए इसका correct answer होगा me.
Next sentence, when Rohan was a small child, he dashed to spend hours every day playing marbles in the street. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये टू का प्रयोग किया हुआ है। तो टू के साथ सबसे करेक्ट ऑप्शन जो इन चारों में से जाता है वो है यूज्ड। सेकेंडली, ये जो सेंटेंस है किसी पास्ट हैबिट को बताने के लिए, हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट, तो हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट के लिए अक्सर कर यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज यूज्ड। नेक्स्ट है डैश द बेटर टीम, ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट द मैच अगेंस्ट बांग्लादेश। इन चारों ऑप्शंस में से सबसे सही ऑप्शन है स्पाइट बीइंग। तो सबसे अच्छी टीम होने के बावजूद, तो होने के लिए यहाँ जिस शब्द का प्रयोग होता है वो है बीइंग, इसलिए यहाँ पर हम यूज करेंगे डिस्पाइट बीइंग, कि सबसे अच्छी टीम होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश से ये मैच हार गई। नेक्स्ट सेंटेंस है योर हेल्थ इज डिटेरियोरेटिंग डे बाई डे, You dash better see a doctor. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डॉक्टर से मिलने की सलाह दी जा रही है, तो क्योंकि सलाह के लिए हम should का प्रयोग करेंगे, इसका आंसर होगा should. Next is I'll finish this project in dash year. तो हमें पता है y e a r year, इसके साथ हम consonant sound है इसलिए a का प्रयोग होगा. Next है the plane took dash at 8:30 a.m. कुछ वर्ब्स होती हैं, कुछ फ्रेजेस ऐसी होती हैं जैसे टेक ऑफ, प्लेन के साथ टेक ऑफ का ही प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर यूज होगा टुक ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस है लेट द चाइल्ड डैश इट हैज बीन डार्क आउटसाइड। अब क्योंकि यहाँ कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है कि बाहर अंधेरा हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से हम बच्चे को अंदर करने की बात करेंगे, इसलिए लेट द चाइल्ड इन, बच्चे को अंदर आने दो, बाहर अंधेरा हो गया। नेक्स्ट द टाइम इज रनिंग डैश हरी अप, तो जो टाइम होता है वो कम पड़ रहा है, तो कम के लिए यहाँ पर इन चारों में से सबसे करेक्ट ऑप्शन होता है आउट, रनिंग आउट। नेक्स्ट वाइट स्टैंड्स डैश पीस, तो यहाँ पर स्टैंड्स के बाद जो प्रपोजिशन यूज होता है वो होता है फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस कोर्स विल हेल्प यू डैश योर स्पीकिंग स्किल्स। तो यहाँ पर क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो कोर्स है ये तुम्हारी मदद करेगा तुम्हारी स्पीकिंग स्किल्स को और ज़्यादा विकसित करने में, तो जो सबसे सही ऑप्शन इन चारों में से जा रहा है वो रहा है डिवेलप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन आई डैश अप आई विल बी अ पायलट, तो यहाँ पे एक बच्चा अपने बड़े होने की बात कर रहा है, तो हमें पता है बड़े होने के लिए जो वर्ब का प्रयोग होता है वो होता है ग्रो अप, ग्रो अप यानी बड़े होना। नेक्स्ट इज ही वॉन्ट्स टू गेट अ बेटर डैश एंड अर्न मोर मनी, तो क्योंकि हम यहाँ पर यह समझ पा रहे हैं कि ज़्यादा धन कमाने के लिए आप किसी भी कार्य को करोगे, तो वर्क जो है वो मनी बेस्ड हो भी सकता है और नहीं भी, इसलिए वर्क नहीं रहेगा। सैलरी की तो ऑलरेडी बात की जा रही है, इसलिए दो बार हम सैलरी और मनी का प्रयोग नहीं करेंगे। एम्प्लॉयमेंट जो रहता है उसके साथ मनी का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर जो सही सबसे सही ऑप्शन है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो है चौ। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डैश द पियानो सिंस द एज ऑफ 5, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सिंस द एज ऑफ 5, यहाँ टाइम मेंशन है कि कब से कोई काम शुरू हुआ, मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो इसमें सबसे सही आंसर होगा हैव बीन प्लेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्निंग No entry for strangers dash this point. तो यहाँ पर हमें ये एक चीज़ समझ में आ रही है कि किसी एक विशेष जगह की बात की जा रही है कि इस जगह से आगे अजनबी लोग नहीं जा सकते हैं, तो इसके लिए सबसे सही ऑप्शन आ रहा है बियॉन्ड, बियॉन्ड यानी के परे। नेक्स्ट है आई डिड इट डैश आई वॉज ऑफ वर्क, तो यहाँ पर यह बात की जा रही है कि कोई काम नहीं कर रहा था उसके बावजूद उसने उस काम को किया, यहाँ पे एक तरह का कंट्रास्ट आ रहा है, इसलिए इसके लिए सही सबसे सही ऑप्शन है हाउएवर। नेक्स्ट है इफ वी वांट टू अवॉइड अनदर लॉस डैश वी शुड टेक प्रोएक्टिव मेजर्स इमीडिएटली, तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि यदि हम और ज्यादा नुकसान सहन करना नहीं चाहते हैं तो हमें इसके आगे पहले से सोचकर उपाय तुरंत कर लेने चाहिए। यहाँ पे हमें एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर हम
बता रहे हैं कि भाई यदि हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आगे का स्टेप ये होना चाहिए। यहाँ पर साहब सबसे सही ऑप्शन आ रहा है देन, क्योंकि बिकॉज तो कारण बताने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, सिंस भी कारण बताने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्योंकि कारण नहीं बता रहे हैं, हमने कारण पहले ही बता दिया है। बात का जो सेंटेंस है वो जो क्लॉज है वो ये बता रही है कि हमें क्या करना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर हम सिंस और बिकॉज का यूज नहीं करेंगे और सो का प्रयोग भी नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश यू शुड गो टू बेड सून, तुम्हें बिस्तर पर जल्दी जाना चाहिए। अब आगे उसका कारण बताया जा रहा है कि क्यों जाना चाहिए, वी हैव टू राइज अर्ली टुमारो, क्योंकि हमें अगले दिन सुबह जल्दी उठना है। तो यहाँ पर सबसे सही ऑप्शन है वो आ रहा है एज। नेक्स्ट है डैश, सॉरी द क्वेश्चंस डैश आर ऑन पेज 194। तो यहाँ पे प्रश्न तो क्या चीज़ है जो पेज 194 पे दी जा रही है, तो जो वो वाले प्रश्न दिए जा रहे हैं जिन्हें कि उत्तर देना है। तो जिनका उत्तर देना है के लिए सबसे सही ऑप्शन है टू बी एंसर्ड। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर सभी ग्रामर के जो फिल इन द ब्लैंक्स थे ये उस क्वेश्चन बैंक में दिए हुए थे जो कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा वेबसाइट पर दिए गए हैं। अगले वीडियो में इसके डू एज डायरेक्टेड के भी आंसर होंगे, साथ ही साथ जितने भी आपके लेसन्स हैं, चाहे वो आपके विस्टास के हों या फ्लेमिंगो के हों, प्रोज लेसन हो या पोएम्स हो, उन सभी के क्वेश्चन आंसर्स यूट्यूब पर इसी चैनल पर अवेलेबल हैं, जिनकी प्ले लिस्ट जो है आपको नीचे बॉक्स में दी जा रही है, उसको देख के आप अपने क्वेश्चंस के सभी आंसर आपको मिल जाएंगे। सो स्टडी हार्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।